एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वैनिशा रेडग्रेवे द्वारा अभिनीति 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मेक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, स्टूडियोज़ द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को सात को रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए ईयान एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई ओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्वस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गया स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूल दान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है, है रही। और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसलिया ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सेलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोसलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयोनी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि ब्रियोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और ब्रियोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुखल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डनकर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के गंभीर रूप से बीमार है अंत में डैनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक पर्याचित नामक का आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोभ्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहाँ रोबी और सोसलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डेनकार्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के, के दौर, दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कार के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है और जिसके एक बार फिर से वे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालना में रोबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मे ने किरदार निभाया है के... केरा नाइटली सिसिलिया टालिश के रूप में किरदार निभाया र... रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक नए एक नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरौनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसा डेडवरे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक्का ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए इन एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गया स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूलदान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है, है रही। और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसलिया ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिलिया के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोसलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयानी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि बिरयोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और बिरयोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुकल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डनकर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसिलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिसलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक प्रयासित नामक का आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सवहनी में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहाँ रोबी और सोशलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डेनकार्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के, के दौर, दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है जिससे एक बार फिर सेवे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालने में टो... रॉबिट टोर्नर के रूप में जेम्स मे के ने किरदार निभाया है कहरा नाइटली सिसिलिया टाल के रूप में किरदार निभाया है रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक न, एक नए नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरोनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में रेड रेडब्रे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक्का ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीत 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायाकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गया स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूल दान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है, है रही। और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसलिया ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे वह बरियोनी से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोशलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयोनी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि बिरयोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और बिरयोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज एक, जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुकल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई के में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डनकर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसिलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक पर्याचित नामांक आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोभ्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहाँ रोबी और सोशलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डेनकार्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौर, दौरान डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है जिससे एक बार फिर वे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालना में रोबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मेके ने किरदार निभाया है के... केरा एनाइटली सिसिलिया टालिश के रूप में किरदार निभाया है र... रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक नए एक नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसा डेडवरे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक्का ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मेकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हैम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलोनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गए स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूलदान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है, है रही। और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसिल् ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोशलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयोनी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि ब्रियोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और ब्रियोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुकल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डन कर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक पर्याचित नामक का आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोभ्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहां रोबी और सोशलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डनकर्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है और जिसके एक बार फिर से वे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालना में रोबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मे ने किरदार निभाया है के, केरा नाइटली सिसिलिया टालिश के रूप में किरदार निभाया रो, रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक नए एक नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरौनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसा डेडवरे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक् मेकाकी ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रो, रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हैम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला साई ओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गया स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू एक फूल दान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसिल् ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सेलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोसलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयोनी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि ब्रियोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और ब्रियोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज एक, जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुक्कल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से, सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डन के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के से गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक प्रयासित नामक का आत्मस्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोह्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहां रोबी और सोशलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डेनकार्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है और जिसके एक बार फिर वे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालना में रॉबिटोर्नर के रूप में जेम्स मेके ने किरदार निभाया है के, केरा नाइटली सिसिलिया टालिश के रूप में किरदार निभाया रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक नए एक नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाए बिरनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसा रेडवरे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक्का ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मेकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हैम्पटन है आधारित है इयान ए इन एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गए स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जन्मन, जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूल दान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है, है रही। और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसिल् ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सेलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है ब्रियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोसलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयोनी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि बिरयोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और ब्रयोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुक्कल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से, सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डनकर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसिलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के से गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिसलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक प्रयासित नामांक आत्मस्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोभ्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहाँ रोबी और सोसलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डनकर्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है जिससे एक बार फिर सेवे देखने के इरादा करते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालने में रोबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मे के ने किरदार निभाया है इन नाइटली सिसिलिया टालिश ता, के रूप में किरदार निभाया है रो, रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक न, एक नए नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरोनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में रेड रेडब्रे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक्का ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मेकवोए और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गया स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूल दान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है और वह रही। और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसिल् ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोशलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरोनी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि बिरयोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और ब्रयोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुखल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डनकर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के गंभीर रूप से बीमार है अंत में डैनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक प्रयासित नामक का आत्मस्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोह्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहां रोबी और सोसलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डेनकार्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है और जिसके एक बार फिर वे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालना में टो... रोबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मे ने किरदार निभाया है के... केरा नाइटली सिसिलिया टालिश के रूप में किरदार निभाया र... रोमेला गहराई बिरोनी टालिश के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक नए एक नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरौनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसा डेडवरे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक्का ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गए स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू एक फूल दान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसलिया ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोशलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सल बिरयानी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि ब्रियोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और ब्रियोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुकल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई के में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डन के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक प्रयासित नामक का आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोभ्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहाँ रोबी और सोशलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डेनकार्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है और जिसके एक बार फिर वे देखने के इरादा करते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालना में रोबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मे ने किरदार निभाया है के... केरा नाइटली सिसिलिया टालिश के रूप में किरदार निभाया र... रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक नए एक नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाए बिरौनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसा डेडवरे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जिनी मैक्की ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हैम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गए स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जन्मन, जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूलदान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है, है रही। और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसलिया ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सेलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोशलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयानी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि ब्रियोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और ब्रियोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुखल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से, सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डन कर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के से गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक पर्याचित नामक का आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोह्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहां रोबी और सोशलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डेनकार्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वह खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वह गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले सिसिलिया और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है और जिससे एक बार फिर सेवे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालने में रॉबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मे के ने किरदार निभाया है कहरा नाइटली सिसिलिया टाल के रूप में किरदार निभाया है रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक 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 नए नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरोनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में रेड रेडब्रे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक् मेकाकी ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए इन एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गए स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूलदान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है और वह रही। और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसिल् ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि शेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे वह से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है ब्रियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोशलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसिलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयानी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि बिरयोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और बिरयोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बोबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुक्कल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डनकर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसिलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के गंभीर रूप से बीमार है अंत में डेनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक पर्याचित नामक का आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोह्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहाँ रोबी और सोसलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डनकर्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा गया ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मौला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले सिसिलिया और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है और जिससे एक बार फिर से वे देखने के इरादा करते इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालने में रॉबिट टॉर्नर के रूप में जेम्स मे के ने किरदार निभाया है कहरा नाइटली सिसिलिया टा... टालिश के रूप में किरदार निभाया है र... रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक न... एक नए नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरोनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसाड वर... ए... रेडब्रे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक्का ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मैकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीती 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, युन, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलोनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ, टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गया स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूलदान तोड़ देता है और सेसिलिया का चिल्लाता है, है रही। और वह और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सेसिल् ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों में से एक को पुनः प्राप्त करने के लिए को में चढ़ गए बिरयोनी खिड़की में इस यह सब देखती है कि सेसलिया और रोबी के बीच रिश्ते की गलत व्याख्या करती है रोबी ने सेलिया को घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए एक नोट लिखा नोट में एक मोसेदे में वह बहुत स्पष्ट भाषा में सेसिल् के लिए आकर्षण की अपनी सच्चाई अनफिल्ड भावनाओं को कलबंद करता है हालांकि वह नोट के इस संकरण को देखने के लिए सोशलिया के लिए कभी इरादा नहीं करता वह गलती से इसे एक लिफाफे में रखता है और जिसे से सिसोलिया को दोनों के लिए कहता है बिरियोनी के जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि नोट का गलत संस्करण सोशलिया के हाथों के लिफाफे में है मामले को बदतर बनाने के बनाते हुए बिओनी ने सिसलिया को एक देने एक देने के से पहले पत्र पढ़ा बाद में उसने अपने पंद्रह वर्षीय चचेरे भाई लोला को नोट का वर्णन किया जो रोबी को करता था पोल मार्सर बिरयानी के बड़े भाई को एक अतिथि मित्र आने वाले चचेरे भाई ने अपने परिचय देते देता है वह लोला और की ओर आकर्षित होता है और रात के खाने से पहले रोबी और से, -से सिसिलिया पुस्तकालय में अकेले है उस समय वह सिसिलिया के के अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है लेकिन अपने आश्चर्य के लिए वह उसके लिए अपने गुप्त प्रेम को कबूल करता है वह पुस्तकालय में दीवार के खिलाफ भावुक प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि बिरयोनी अनदेखी में चलती है उन्हें एक साथ देखती है और बिरयोनी को गलती से लगता है कि उसकी बहन हो रहा है रात के खाने के दौरान लोला के जो जुड़वा भाई लापता हो जाते हैं और परिवार खोज दलों में संगठित हो जाता है खोज में भाग लेने के दौरान बिरयोनी को लोला के साथ एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का पता चलता है जो खोज जो खोजे जाने पर भाग जाता है दो लड़कियां बात करती है कि बिरयोनी अस्वस्थ हो जाती है यह बॉबी था भ्रमित लोला विरोध नहीं करती और दोनों पर दोनों घट लौट आते हैं घर घर लौट आने के बाद रोबी से जुड़वा बच्चों का सुकल पाता है और घर लौटता है और अपनी देखता है कि कोई इसका इंतजार कर रहा है वह जुड़वा बच्चों को अंदर ले जाता है और सो सेली, सेसिलिया को बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है लोला और बिरौनी की गवाही स्पष्ट पत्र को पलटने के साथ से सेसिलिया को उसके अपराध के बारे में अभी सभी को आश्वस्त करती है चार साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े अपनी यूनिट में यूनिट से अलग होकर वह डनकर के लिए पैदल की पैदल ही अपना रास्ता बनाता है वह छः महीने पहले के बारे में सोचता है जब वह सेसलिया से मिलता है तो तब एक नर्स है ब्रियोनी जो अब अट्ठारह वर्ष की है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने का बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सिसलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट यूनिट्स में शामिल हो गई वह अपनी बहन को लिखती है लेकिन सिसिलिया रोबी की गिरफ्तारी में सजा के वर्षों से पहले उसके हिस्से के लिए उसे माफ़ कर सकती है रोबी जो एक संक्रमित घाव और मतिभ्रम के से गंभीर रूप से बीमार है अंत में डैनकार्क के समुद्र तटों पर आता है जहां वह निकासी का इंतजार करता है बाद में बिरयोनी जिसे रोबी को फंसाने का पछतावा है जो एक समाचार पत्र से पता चलता है कि वह पोल मार्सल जो अब ब्रिटिश सेना का राशन की राशन की आपूर्ति करने वाला एक फैक्ट्री का मालिक है लोला से शादी करने वाला है जैसा कि बिरयोनी शादी में शामिल होता होता है अंत में वह डूब जाता है यह पोल था जिसने सालों पहले जुड़वा बच्चे की खोज के दौरान लोला का पर हमला किया था ब्रियोनी सिल, सिसिलिया से सीधे माफ़ी मांगने के लिए जाती है जिससे वह अपनी गवाही को सही करने का सुझाव देती है जिसके बारे में सिसिलिया कहती है कि वह एक विश्वि एक विश्वसनीय गवाह होगी लंदन से छुट्टी पर रहने के दौरान वे अपनी बहन के साथ रहने वाले रोबी को पाकर ब्रियोनी हैरान है ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन रोबी गुस्से में है और उसने अभी भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की सिसिलिया उसे एक शांत करती है फिर भी रोबी बिरयोनी को निर्देश देती है कि वे कैसे रिकॉर्ड को सही कर पाएगा रोबी रोबी की सजा को पट पलट दिया जाएगा ब्रियोनी सहमत है दस को बाद जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार वह अपनी जीवन अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक पर्याचित नामक का आत्मात्मक कथनांक उपन्यास के बारे में सख देती है तो बताती है कि वह सह सहनी मनोभ्रंश में मर रही है कार के दौरान दर्शक को पता चलता है कि किताब का ये वह हिस्सा जहाँ रोबी और सोशलिया एक साथ रहे थे और वह उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता यह भी, भी है कि वह कभी अपनी गलती का परिचय नहीं कर रही सकती सो सोसलिया के और रोबी कभी भी फिर से नहीं मिले थे और डनकर्क में निकासी के सुबह रोबी की अपनी संक्रमित घाव को सेप्टीमी सेप्टीसीमिया की से मृत्यु हो गई और बलहम ट्यूब स्टेशन बमबारी के दौरान भूमिगत बाढ़ के दौरान दुर, डूबने से महीनों बाद सिसिलिया की मृत्यु हो गई और बिल्टस ब्रियोनी स्वीकार करती है कि कि अपने उपन्यास इसके काल्पनिक अंत के साथ लिखा था ताकि दोनों को कल्पना की मृत्यु में वे खुशी से मिले जो उन्हें कभी नहीं कभी नहीं मिली क्योंकि वे गलती से रोबी को मुलोला के बलात्कारी के रूप में पहचानने की जिम्मेदारी थी और अंतिम दृश्य तक एक काल्पनिक और खुशी फिर से मिले से और रोबी को समुद्र के किनारे घर में रहने का दर्शन होता है जिससे एक बार फिर वे देखने के इरादा करते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाता है ढालना में रोबिटोर्नर के रूप में जेम्स मे ने किरदार निभाया है कहरा के... एनाइटली सिसिलिया टालिश के रूप में किरदार निभाया र... रोमेला गहराई बिरोनी टालिस के रूप में अट्ठारह साल की छोटी टालिस बहन एक एक नए एक नर्स इन ट्रेनिंग ने किरदार निभाया बिरौनी के रूप में शावरे से रोनर ने किरदार निभाया पुराने बिरयानी के रूप में वेनेसा डेडवरे रेड ग्रेव जो अब एक सफल उपन्यासकार है ग्रेस टनल के रूप में बेड्रा बेलेन ने किरदार निभाया लोला विकेंसी के रूप में जूनो मंदिर ने किरदार निभाया पोल मार्सल के रूप में बेनेडिक्स कंबर बेच ने किरदार निभाया लियोन टा टालिस के रूप में पैट्रिक कैनेडी ने किरदार निभाया एमिली टालिस के रूप में हेरियट वाल्टर ने किरदार निभाया पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पीटर वाइट ने किरदार निभाया टॉमी नेटल के रूप में डैनियल मेयस ने किरदार निभाया और मिस्टर ड्रिमंड के रूप में जीनी मैक् मेकाकी ने किरदार ल्यूक ल्यूक कॉर्नेट के रूप में, में जेरेमी रेनियर ने किरदार निभाया डेनी हार्डमैन के रूप में एल्फी एलन ने किरदार निभाते हुए एटोनमेंट मूवी के फैक्टू रिव्यूज एटोनमेंट जो राइट्स द्वारा निर्देशित जेम्स मेकवॉय और केरा नाइटली एंड रोमेला ग्री एंड शावर से रोनन और वेनिशा रेड ग्रेवे द्वारा अभिनीत 2007 की एक रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है यह है 2001 में इयान मैक एवन में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है यह फिल्म सन 1930 के दशक की शुरुआत में छः दशकों के दौरान एक अपराध और उसके परिणामों को आगे बढ़ाती है यह स्टूडियो के नाल के लिए तैयार किया गया था इंग्लैंड में फिल्माया गया था यूनिवर्सल यूनाइटेड युनि, स्टूडियोज द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया इसे यूनाइटेड किंगडम में 7 सितंबर 2007 को उत्तरी अमेरिका में 7 दिसंबर 2007 को ना, नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था फिल्म का निर्देशक जो राइट है पथकथा क्रिस्टोफर हेम्पटन है आधारित है इयान ए मेक एवन द्वारा उत्पादित किया टीम बेवन द्वारा एरिक फेलनर द्वारा और पोल वेबिस्टर द्वारा अभिनेत्री जेम्स मेकवो मेरा नाइटली रोमोला ग्रई शाईओरस रोनेन वेनिशा रेग्रेवे छायांकन है सिम्बस और मेक गर्वे का संपादन किया गया पोल टोथिल ने संगीत दिए डारियो मारिया नेली ने उत्पादित उत्पादन कंपनी है रिलेटिविटी मीडिया स्टूडियो केनाल और वर्किंग टाइ टाइटल फिल्म द्वारा वितरित किया गए स्टूडियो केनाल फ्रांस में यूनिवर्सल पिक्चर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन जर्मनी में रिलीज़ की तारीख 29 अगस्त 2007 को वेनिस में 7 सितंबर 2007 को यूनाइटेड किंगडम में 9 जनवरी 2008 को फ्रांस में कार्यक्रम 123 मिनट का देश संयुक्त यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भाषा अंग्रेजी थी बजट था इसका 30 मिलियन डॉलर का और इसने एक मिलियन डॉलर तक करते की। यह फिल्म 2007 के वे अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौंसठवें वैनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोनों को खेला जिससे राइट पैंतीस वर्ष की आयु में वैनिस कार्यक्रम को खेलने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के निर्देशक बने गए फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी कि वह तीस मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में एक मिलियन तक की कमाई की आलोचकों के लिए इसकी अभिनय की भावनात्मक गहराई राइट के निर्देशक डारियो मारिया नेली के स्कोर सेनेमेटोग्राफी और विजुअल अल्स और वास्तविक जीवन की घटनाओं को फिल्म का समावेश की प्रशंसा करते हुए इसे समीक्षाएं प्राप्त की कथानंक बताता है कि सन उन्नीस सौ पैंतीस में इंग्लैंड में पंद्रह तेरह वर्षीय ब्रियोनी टालिस धनी टालिस परिवार की एक छोटी बेटी है एक आगामी पारिवारिक सभा के लिए, लिए लिखे गए एक नाटक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है वह अपने बेडरूम की खिड़की से अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रोबी टर्नर को जासूसी करती है फाउ फाउंटेन के पास उनके तर्क के दौरान रोबी गलती से एक फू फु, एक फूल दान तोड़ देता है और सिसिलिया का चिल्लाता है और रह वह रही। और वह वही रहे जा रहे हैं जमीन ताकि जमीन पर टूटे हुए टुकड़ों पर उसके पैर काटने से बच सके फिर भी गुस्से में सिसिलिया ने अपनी बह बाहरी कपड़े उतार दिए और उसे घर घूर कर देखा और टुकड़ों में से टुकड़ों